फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेस्ट 4G फ़ोन बताने जा रहा हूँ अंडर 10,000 के रुपीस में। तो जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए मैं आपको उन टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फाइव नंबर में है सैमसंग गैलेक्सी O7। तो ये सैमसंग की तरफ से एक बजट फ़ोन है। तो चलिए मैं आपको बता देना इसमें क्या क्या फीचर्स है। इसमें आपको रैम 1.5 GB का रैम मिलेगा, प्रोसेसर में 1.2 GHz का स्नैपड्रैगन 420 प्रोसेसर मिलेगा। इसमें आपको 13 MP का रियर कैमरा मिलेगा, 5 MP का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। इसमें आपको इंटरनेट 8 GB मिलेगी। इसमें आपको 5.5 का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, डुअल सिम मिलेगा LTE+LTE। इसमें आपको 3000 mAh का पावरफुल बैटरी मिलेगा। तो इसकी प्राइस है आपको 8,990 रुपये, जो कि आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक सैमसंग की तरफ से एक बजट फ़ोन है। तो चलिए मैं आपको फोर्थ नंबर पे जो स्मार्टफोन है तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यह है ली एको LE1S। तो ये एक चाइना ब्रांड है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल बता देता हूँ। तो इसमें आपको 3 GB का दमदार रैम मिल रहा है। इसमें आपको प्रोसेसर में 2.2 GHz का हेलिकॉन ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा है। इसमें आपको 3000 mAh का पावरफुल बैटरी मिल रहा है विथ फास्ट चार्जिंग के साथ। इसमें आपको कैमरा में 13 MP का रियर कैमरा मिल रहा है विथ फुल HD रिकॉर्डिंग के साथ। इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसमें आपको मेमोरी में 32 GB का मेमोरी मिलेगा, डुअल सिम मिलेगा 4G। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और इसकी प्राइस लगभग 11,000 रुपये होगी। तो चलिए यह हमारा थर्ड नंबर पे जो फ़ोन है हम आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये है हमारा मोटो की तरफ से। तो चलिए मैं इसका आपको डिटेल बता देता हूँ। इसमें आपको 2 GB का रैम मिलेगा। इसमें आपको 1 GHz का क्वाड कोर मीडियाटेक MTEC 6735 का प्रोसेसर मिलेगा। इसमें आपको 3500 mAh का बैटरी मिलेगा। इसमें आपको 8 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसमें आपको 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, 16 GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा, डुअल सिम 4G सपोर्ट मिलेगा। इसमें OTG है। तो एक अच्छी बात है, इसकी प्राइस लगभग 8,000 रुपये, 7,999 रुपये। इसमें 100 मार्शमेलो है। तो नंबर 2 में है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 2 में है मोटो जी 4th जनरेशन। तो चलिए मैं इसका आपको डिटेल बता देता हूँ। ये 2 GB रैम है। इसमें आपको ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 6717 का प्रोसेसर मिल रहा है। इसको आपको 3000 mAh का बैटरी मिल रहा है। कैमरा में इसको 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको 16 GB का इंटरनल मेमोरी मिला है, जिसका एक्सप्लेन कर सकते हैं 128 GB के साथ। इसमें आपको डुअल 4G सिम मिल रहा है और कनेक्टिविटी के लिए 400 mAh मिल रहा है। तो 7.0 का इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस है 10,499 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस प्राइस में आपको इतना फीचर्स दिया जा रहा है। तो हमारे पास नंबर 1 में जो है वो लेनोवो की तरफ से है, लेनोवो वाइब K5 प्लस। तो हमारे ये लेनोवो की तरफ से ये फ़ोन है। तो चलिए मैं इसका आपको डिटेल बता देता हूँ। इसमें आपको 3 GB का रैम मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। इसमें आपको 1.5 GHz का स्नैपड्रैगन 616 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल रहा है। इसमें आपको बैटरी में 2750 mAh का बैटरी मिल रहा है। इसमें आपको 13 MP का रियर कैमरा और बैक कैमरा, इसमें आपको 8.5 MP का मिलेगा। 5.5 का फुल HD डिस्प्ले है। इसमें आपको 16 GB का माइक्रो SD कार्ड मिलेगा, जो आप इसको 128 GB के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल 4G सिम मिलेगा और इसमें आपको लॉलीपॉप मिलेगा। इसकी प्राइस लगभग 9,000 रुपये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन आता होगा, तो आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।